कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। ठीक वैसे ही किसी लड़की के दिल में एंट्री लेना हो तो सही टाइम का ध्यान रखना चाहिए, वरना हमें उस लड़की को पटाने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है, फिर भी लड़की पटती नहीं है। लेकिन आप सही समय पर काम करते हो तो आप सिर्फ 2 दिन में या उससे कम समय में लड़की को पटा सकते हो या उसके दिल में जगह बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा वो टाइम है जब लड़की को आप आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो, उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हो या उन्हें पटा सकते हो, कब लड़कियां किसी लड़के के इंतज़ार में रहती है, कब लड़कियां ये सोचती है कि उनके लाइफ में भी कोई लड़का आ जाए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, किसी स्पेशल इवेंट पर, जैसे शादी में, किसी के बर्थडे पर, या किसी पार्टी में, या किसी स्पेशल फंक्शन पर, या किसी पूजा में लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको उस इवेंट की जिम्मेदारी शुरू से लेनी होगी। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट के लिए आए, खाना खाए और चले गए। ऐसा करने पर लड़की आप पर ध्यान ही नहीं देगी और ना आप लड़की पर ध्यान दे पाओगे। किसी इवेंट या पार्टी में लड़कियां यही सोचकर जाती है कि किसी लड़के से उनकी दोस्ती हो जाए या पार्टी वगैरह में लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिले, इसलिए किसी भी इवेंट में लड़की को पटाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। नंबर 2, जब लड़की का फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वाली छुट्टी के दिनों में और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वाले छुट्टी के दिनों में लड़कियों को पटाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इन दिनों में लड़कियों के दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहता और उनके पास इससे अच्छा मस्ती और शैतानी करने का दूसरा टाइम भी नहीं होता। उनके पास सिर्फ 2 से 3 महीना रहता है मस्ती और मज़े करने के लिए। इस टाइम में लड़कियां किसी को भी मिस कॉल कर देती है, किसी भी अनजान नंबर पर मैसेज करती है, फेसबुक पर आईडी बनाकर किसी से भी चैटिंग करना शुरू कर देती है, और यही वो वक्त है जब आप उसे आसानी से पटा सकते हो। आपको बस उस लड़की से कनेक्टेड रहना है या किसी भी तरह उस लड़की का नंबर आपको हासिल करना है या अपना नंबर उस लड़की को देना है, फिर देखिए आपका काम बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नंबर 3, नए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। दोस्तों, लड़कियां जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उनके लिए माहौल अलग और पूरा नया होता है। उन्हें स्कूल छोड़कर कॉलेज में आने का एक्साइटमेंट रहता है, साथ ही नया माहौल, नई परिस्थिति रहती है, नए नए लोग, नए नए फ्रेंड्स बनाने की उनमें एक्साइटमेंट भरी रहती है। बस इसी समय को आप मौका देखकर लड़की से दोस्ती करते हो या किसी भी तरह से आप लड़की से कनेक्टेड हो सकते हो तो उसे पटाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो या ना हो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसी कॉलेज में हो तो लड़की से दूर ही रहिए, उनसे दोस्ती ना करना ही सबसे बेहतर होगा।